कि फिजिकल पास करने के लिए हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। एनी हाउ कुछ भी हो जाओ अपने उस दोस्त को बोलो कि देखो 2-3 महीने का समय है, SSC GD तो ऐसे भी अपने सेशन को बहुत स्पीड की हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, देखो मुझे अच्छे से मालूम है आप कभी भी ग्राउंड नहीं गए हो या ग्राउंड जाकर फिजिकल की कभी तैयारी नहीं किए हो। आपको कभी नहीं मालूम था कि 5 किलोमीटर की रनिंग कैसे करनी है, 1600 मीटर की रनिंग कैसे करनी है। आपने सब दिन पढ़ाई करी है, CPO CGL की तैयारी करी है, बट SSC GD का रिटर्न पेपर आपका अच्छा गया है तो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो। बट कुछ ही गलतियां होती है जो अगर आपको फिजिकल पास करनी है तो ये गलतियां भूल से भी नहीं करना। अगर ये गलती करते हो तो आपका फिजिकल नहीं निकलेगा। देखो वो बंदे अलग है जो गाय भैंस करते हैं, जो घास काट रहे हैं, दिन भर खेतों में पसीना बना रहे हैं, उनके लिए तो कोई रूल और नियम होते ही नहीं है, वो तो फिजिकल निकाल ही लेंगे। बट आपके माता पिता ने मुझे मालूम है राजकुमार राजकुमारी बनाकर पाला है और आपने स्टडी किया है, बहुत मेहनत से स्टडी किया है, तो कुछ एक बातों पर आपको ध्यान देना होगा और फिजिकल में ये गलतियां नहीं करनी होगी। तो चलो आज के वीडियो में जानते हैं कि फिजिकल पास करने के लिए हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि SSC GD का फिजिकल तो बहुत ज्यादा हार्ड होता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। SSC GD का फिजिकल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत आसान होता है। बट इतना भी आसान नहीं होता है कि आप घर पर पड़े रहो और फिजिकल आपसे निकल जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी मेन बात होती है कि अगर आपने कभी इंडियन आर्मी की रैली को अटेंड किया है या इंडियन आर्मी की फिजिकल की तैयारी मेहनत से करी है तो आप आराम से फिजिकल निकाल दोगे। मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं SSC GD 2018 का बंदा हूँ और फिलहाल मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मैं मुश्किल से 7 दिनों के लिए ही फिजिकल की तैयारी करा था। तो जरूरी नहीं है, बट आप इतने अच्छे से स्टडी किए हो, इस तरह से निगेटिव मार्किंग को फेस किए हो, तो जरूरी है कि आपको फिजिकल की तैयारी अच्छे से करनी होगी। सबसे पहली जो मेन बड़ी गलती है, आप सभी जानते हैं कि फिजिकल के प्रैक्टिस में रेगुलर ना रहना। देखो SSC GD के फिजिकल को उतना भी नॉर्मल वे में नहीं लेना है, आने वाले समय में जॉब लेना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो अगर ईश्वर ने आपको इतना बढ़िया गोल्डन चांस दिया है तो उस गोल्डन चांस को अपनाओ। दूसरी बात, जिस दिन से देखो जब तक आप रिटर्न पेपर की तैयारी कर रहे थे आप बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे, ठीक, और जिस दिन से आपका एग्जामिनेशन हो गया उस दिन से तो आप बिल्कुल ही बिंदास हो गए हो। ना ठीक से पढ़ना, ना रूटीन से जगना, ना रूटीन से खाना, ना रूटीन से सोना, और सबसे बड़ी गलती कर रहे हो वो जो आपके दोस्त है ना, अपने दोस्त से 11, 12, 1 बजे रात तक बात करना, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और मुझे भी मालूम है मेरे दोस्त कि जब 12-1 बजे तक अगर एक लड़का एक लड़की बात करती है तो उनके बीच क्या 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 होता है और क्या क्या हो जाता है, समझ रहे हो ना। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका इज्जत यहाँ पर उतारूं, तो उन बातों से सबसे ज्यादा दूर रहना है। एनी हाउ कुछ भी हो जाओ अपने उस दोस्त को बोलो कि देखो 2-3 महीने का समय है, SSC GD तो ऐसे भी अपने सेशन को बहुत स्पीड की हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जिस तरह से उसे नोटिफिकेशन दिया था और 2021 में आपने देखा ही था कि कितनी जल्दी उनकी ज्वाइनिंग हो गई। तो सबसे पहले बात, ये जो आप देर रात बात करते हो ना अपने दोस्त से, इसको बंद करो, हार्डली 9 बजे सो जाओ। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि आप अपने उस दोस्त से ब्रेकअप कर लो या रिलेशनशिप ही तोड़ लो, ऐसा नहीं है। खुशनसीब है वो जिनको है मिला ये बाहर जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तो उस प्यार को तोड़ना नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी दूरी बनानी है, जहाँ आप यहाँ पर थे ना यहाँ कर लेना, वो भी सिर्फ 3 मंथ के लिए। अरे क्या दिक्कत है, 7 से 8 1 घंटे बात कर लो, आराम से सो जाओ। और एनी हाउ आपको ग्राउंड जाना है, आपके पैरों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, सीन पेन हो, कहीं भी दर्द हो, आपको एनी हाउ घर जाना है। दूसरा, खास करके जो हमारे शेर हैं, आप लोग जो वो बाथरूम वाली गलतियां करते हैं ना, उन गलतियों को इस 3 महीने के लिए बंद कर दो। हाँ नाइट फॉल हो जाते हैं, वो नॉर्मल सी बात है, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट वो जो मुझे मालूम है ना क्या करते हो, तो वो बाथरूम वाली गलतियों को बंद कर दो, क्योंकि बस 3 महीने की बात है मेरे दोस्त। जैसे ही फिजिकल होगा उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना, जो करना है सब कुछ करना, मैं किसी काम में नहीं रोकूंगा। बट याद करो उन गरीबी को, अपने उन माता पिता को जिन्होंने कभी नए कपड़े नहीं लिए, आपको नए कपड़े दिए हैं, पिताजी किस तरह से भरी दोपहरी में हमारे लिए काम करते हैं। और पता है आप जिस गरीब घर से बिलोंग करते हो ना, मैं भी उसी गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत बड़ा टाटा बिरला नहीं हूँ,
इसी तरह नमक रोटी मिल जाती है, ऊपर वाले की कृपा है। तो जरूरी बातों को समझो, ये देर रात बंद बात करना बंद करो, बाथरूम वाली हरकत बात करो बंद करो, और कम से कम 9 बजे तक सो जाओ। तीसरा, आपके मन में आया होगा कि डाइट काजू बादाम या अखरोट या किशमिश या मूंगफली, इन सब खाने से कुछ नहीं होता है, रोटी नमक खाकर भी लोग दौड़ निकालते हैं, हमारे अंदर जिगरा होना चाहिए। तो मोराल को डाउन नहीं करना है कि मुझे काजू बादाम नहीं मिल रहा है, मैं खुद काजू बादाम नहीं खाया था, मैं खुद नमक रोटी खाकर दौड़ निकाला हूं, तो मैं आपसे रिकमेंड क्यों करूं, क्यों झूठ बोलूं, क्योंकि मैं हकीकत में जीता हूं, सपनों की दुनिया, सितारों की दुनिया। वो कहते हैं ना, चलो ले चले तुम्हें सितारों के शहर में, जब मैं सितारों के शहर में खुद नहीं गया हूं तो तुम्हें क्या ले जाऊंगा। हकीकत में रहते हो, हकीकत में जीना सीखो, हकीकत को एक्सेप्ट करो, सपनों की दुनिया से निकलो, सपनों की दुनिया में मत जियो, सपनों की दुनिया दर्द भरी होती है। तो ज्यादा देर बात नहीं करनी है, समय से सो जानी है। तीसरी, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सबसे बड़ी बात, कि सोते समय आप जो है 0.75 लीटर दूध लो, गुनगुना दूध लो, उसमें 2 चम्मच हल्दी डालो, 2 चम्मच देसी घी डालो, सभी को चम्मच से मिला के आराम से पी जाओ। रात को सोते समय पूरे बॉडी का सरसों तेल से मालिश करो। मुझे मालूम है कभी कभी आपके बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगते हैं, तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आपको दौड़ने का जी नहीं करता है। देखो, जब दौड़ोगे, फिजिकल की तैयारी करोगे, तो दर्द तो होगा ही मेरे भैया, फिजिकल और दर्द दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस तरह से आपका फिजिकल बनते जाएगा, दर्द भी बढ़ते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब फिजिकल आपका बिल्कुल ही लेवल पर आ जाएगा, आपके सारे दर्द खत्म हो जाएंगे, फिर आपको दर्द कभी नहीं होगा। ये दर्द होने का कारण है, आप सब दिन पढ़ाई किए, रूम में रहे, इस वजह से दर्द होता है। तो फिजिकल से रिलेटेड आपके मन में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम्स है, अपने दोस्त के प्रति कोई समस्या है, या फिर आपके बॉडी में कहीं भी दर्द है, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो, मैं आपके हर सवालों का जवाब दूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।